तो गाइस आनो क्लासिक तो आपने देख ही लिया और रिजल्ट्स भी आप लोगों को पता लग गए होंगे, बट शो के होने के बाद अभी भी चीज़ें खत्म नहीं हुई, क्योंकि शो के होने के बाद एक इवेंट हुआ जहां पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई और आज इन सारी चीज़ों के बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और शो के कुछ हाईलाइट्स के बारे में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्नोल्ड को लेकर, आर्नोल्ड क्लासिक को नहीं बल्कि आर्नोल्ड को लेकर जो बात हुई उसके बारे में। तो गाइस शो के होने के बाद आर्नोल्ड बैठे थे और यहाँ पर एक इवेंट टाइप हुआ जिसके अंदर जितने भी चैंपियंस हैं इस शो के वो सब के सब बैठे थे और साथ में वहाँ पे फिलहित भी अवेलेबल थे एज अ पास्ट चैंपियन। और आर्नोल्ड ने वहीं पर बैठे बैठे फिलहित के सामने उनको रोस्ट कर दिया, मतलब थोड़ा सा मजाक उड़ाया और किस तरह उड़ाया आप ये देखिए। And 10 years ago, I remember 15 years ago, I criticized bodybuilding. I said, "Mr., what's going on here? This is the top guys in the world." And after a few poses, they were huffing and puffing, and their stomach was hanging out. They couldn't, you know, keep the vacuum, and they couldn't keep their stomach in, and they couldn't keep themselves under control. They were posing, and then, you know, they were shaking up there when they held the pose for a longer period of time. And I said, "What is this? This is like a bunch of, you know, cripples." So I was criticizing them. I said, that "None of them could do a vacuum anymore. They're shaking. They're sweating. They're out of control. They're not really in shape." तो आर्नोल्ड ने सबसे पहले बात इस तरह से स्टार्ट करी कि उन्होंने हार्डी चुपन को और करंट चैंपियन को यानी कि वेस्ली विजर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रेस करा कि आजकल के टाइम के चैंपियन कितने ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, कितना ज़्यादा अपना गट कंट्रोल कर रहे हैं, कितना ज़्यादा वैक्यूम वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब पहले के टाइम को उन्होंने ऐसे बताया और फिलहित को वो उस टाइम पर देख रहे थे, मतलब ये बहुत ही अजीब लगा देखने को कि फिलहित भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पास्ट के चैंपियन अभी 10 साल 8 साल पहले के चैंपियन जितने भी थे उनके लिए बहुत मुश्किल था अपने गट को कंट्रोल करना। थोड़ा सा वो पोस्ट करते थे उसके बाद हाँफते रहते थे और उनका गट ऐसे हैंग करता था जैसे कि कुछ उनकी कंडीशन, कुछ उनका शेप है ही नहीं। और इस चीज़ को देखकर मतलब ऐसा लग रहा था कि फिलहित कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ रिप्लाई करेंगे, बट उन्होंने नहीं करा, काफ़ी रिस्पेक्टफुली लिया। लेकिन हाँ, ये चीज़ काफ़ी अजीब सी लगी बिकॉज हम सबको पता है कि ऐसी गट वाली सिचुएशन, ऐसे हाँफने वाली सिचुएशन फिलहित के साथ कई बार हुई है स्टेज पर। आर्नोल्ड ने इस चीज़ को काफ़ी टाइम क्रिटिसाइज भी करा है और यही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली। तो ये चीज़ थोड़ी अजीब सी तो लगी, बट यस ये चीज़ देखने में काफ़ी मज़ेदार थी कि सामने सामने इस तरह से रोस्ट करा जा रहा है। साथ में एक और चीज़ हुई गाइस कि आर्नोल्ड ने शो के खत्म होते ही अनाउंस कर दिया था कि नेक्स्ट ईयर आर्नोल्ड क्लासिक का प्राइज मनी $500,000 होगा, यानी कि 200,000 मोर देन द करेंट ईयर, जिसका मतलब है गाइस सीधे सीधे मिस्टर ओलंपिया से भी $100,000 मोर। तो आर्नोल्ड ने यहाँ पर इस बारे में ये बात करके बोला कि मैं किसी से ऑब्लिगेटेड नहीं हूँ कि मुझे इस शो से कम प्राइज मनी रखना है या कुछ रखना है। मैं चाहता हूँ एथलीट्स को सपोर्ट करना, मैं चाहता हूँ एक कॉम्पिटिशन बना रहे, हम सब लोग मिलकर बैक एंड फोर्थ करते रहें, जिससे अगर मैं इतना प्राइस मनी बढ़ाऊंगा तो दूसरे शोज को भी मौका मिलेगा, दूसरे शोज भी इस चीज़ को एज ए कॉम्पिटिशन एज अ चैलेंज लेंगे, स्पेशली मिस्टर ओलंपिया वो भी प्राइस मनी बढ़ाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग भी ऐसा करें और इसीलिए एथलीट्स को सपोर्ट करते हुए, शो को बड़ा करते हुए और कॉम्पिटिशन को बढ़ाते हुए एक कम्पेटिटिव एज इस शो को भी देते हुए मैं चाहता हूँ ये स्पोर्ट आगे बढ़े। तो इस चीज़ को गाइस निक स्ट्रेंथ एंड पावर जो एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैनल है उसने भी कवर करा, उसने इस बारे में ये बताया कि इसका मतलब क्या ये तो नहीं कि आर्नोल्ड चाहते हैं आर्नोल्ड क्लासिक को मिस्टर ओलंपिया से भी बड़ा बना देना। अब गाइस ये चीज़ सुनने में अजीब तो लगती है लेकिन यस पॉसिबल भी लगती है, बिकॉज सी अगर प्राइज मनी एक शो का सबसे ज़्यादा हो जाएगा प्लस दूसरे सारे एस्पेक्ट्स, फॉर एग्जांपल आप मिस्टर ओलंपिया में देखोगे तो इनकी पे पर व्यू ऑलमोस्ट $60 के करीब थी और उसके बाद भी स्ट्रीमिंग की क्वालिटी और लाइटिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, जबकि आप यहाँ देखोगे आर्नोल्ड क्लासिक में तो मैन इट वॉज अ ब्लास्ट, इतनी ज़्यादा अमेजिंग स्ट्रीमिंग क्वालिटी, उसके बाद भी दे डिडंट चार्ज अ पेनी, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने सभी यूजर्स को दे दी थी, इतना अच्छा एक्सपीरियंस। साथ में आप लाइटिंग देखो शो की कितनी अमेजिंग थी, कोई प्रमोशन इस तरह से नहीं हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा एथलीट सेंट्रिक थी। तो ये सारी चीज़ें मिलके गाइस आर्नोल्ड क्लासिक को एक प्रीमियम शो तो ज़रूर बनाते हैं और अगर प्राइस मनी भी ऐसा इंक्रीज हो जाए तो एक से एक एथलीट यहाँ पर आकर कम्पीट करने का ज़रूर डिसाइड करेंगे। तो हो सकता है आने वाले टाइम में अगर आर्नोल्ड क्लासिक मिस्टर ओलंपिया से आगे नहीं बढ़ता, मतलब उससे बड़ा शो नहीं बन पाता, तो भी इक्वली मैच तो उसे बिल्कुल कर ही लेगा, बिकॉज प्राइज मनी और दूसरी सारी चीज़ें मिलकर जिस तरह से एथलीट्स को सपोर्ट करा जा रहा है, जिस तरीके से उनकी बॉडी को फ्लॉन्ट करने का उनको मौका दिया जा रहा है, जिस तरह से हमको एक्सपीरियंस दिया जा रहा है एक शो को देखने का, विटनेस करने का विदाउट डिस्को लाइट्स एंड एवरीथिंग, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो चलिए ये बातें तो हो गई, अब हम बात करते हैं सारे एथलीट्स की या शो की क्या हाईलाइट्स थी। तो सबसे पहले तो गाइस मैं बात करना चाहूंगा हार्डी चुपन की, एंड हार्डी चुपन ने मैन इतने कम टाइम पीरियड में, मतलब मिस्टर ओलंपिया के बाद से, एक तो देखो मिस्टर ओलंपिया में विक्ट्री नहीं मिली उनको जहां पे बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सपेक्ट करा था, उसके बाद जब उन्हें विक्ट्री नहीं मिली तो एक डिमोटिवेशन वाला फैक्ट, एक बहुत ज्यादा निराश हो जाने वाला फैक्टर, ये सारी चीजें मिलकर आ जाती है। और उसके बाद आप उस तरह से परफॉर्म नहीं करते, आपका विश्वास, आपका कंट्रोल, आपका कॉन्फिडेंस कुछ थोड़ा सा ब्रेक तो जरूर होता है, बट हार्डी ने उस डिफीट को
एज अ पॉजिटिव थिंग लिया और इतना ज्यादा हार्डवर्क करा कि आप देख सकते हो इतने कम टाइम पीरियड में इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करके आ गए। मतलब आप वैक्यूम देखो, आर्नोल्ड ने इसे काफी ज्यादा पेस करा कि मतलब इतने बड़े फ्रेम पर आप इस तरह से वैक्यूम कर रहे हो, और ये नहीं कि आप वैक्यूम करके उसको छोड़ दे रहे हो, आप कॉन्टिन्यूसली वैक्यूम करे वो एक पोज से दूसरे पोज में ट्रांजिशन तो कर रहे हो, एक पोज से दूसरे पोज में ट्रांजिशन करते हुए भी आप अपनी वैक्यूम को लेट गो नहीं कर रहे, आपका गट उसी तरह से कंट्रोल में है जो कि बहुत ज्यादा कमेंडेबल था। साथ में लेग्स, मैन हार्डी शुभन के लेग्स आपने यहाँ जरूर देखे होंगे राइट। कहते हैं कि 2019 के वैनकूवर प्रो के बाद से जहाँ उनकी अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कही जाती है, उसके बाद उनके लेग्स उस तरह से नहीं रहे, वो साइज लूज करने स्टार्ट कर चुके थे अपने लेग्स में। लेकिन अभी हमने फिर से देखा कि हार्डी शुभन के प्राइम लेग्स, हार्डी के प्राइम लेग्स अगेन वापस आ चुके हैं गाइस। मतलब आप देखो किस कदर मसल मास ये अपने लेग्स पर लेकर आ गए हैं, और इसी वजह से इनका एक्सट्रीम बहुत ज्यादा अमेजिंग होता जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हो एक और चीज, डेरेक के लेग्स लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में ही काफी क्रिटिसाइज हो रहे थे कि मसल मास उतनी ज्यादा नहीं है हार्डी के कंपेरिजन में, सैमसन के कंपेरिजन में, और अब आप देख सकते हो हार्डी ने और भी ज्यादा मसल मास एड कर लिए, बहुत ज्यादा मैसिव हो गई ये लेग्स। तो अब ये चीज डेरेक के लिए तो 100% और भी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। प्लस हम बैक की बात करें, डेरेक की आप स्ट्रेंथ जानते हो क्या है, उनकी बैक, और हार्डी ने अब क्या करा है अपनी बैक को इनसेन लेवल पर इंप्रूव करा है। मतलब आप थिकनेस देख लो, डेंसिटी देख लो, ओवरऑल बैक डेवलपमेंट देख लो, इतना ज्यादा मसल मास वो भी इतने कम पीरियड में। मतलब सबसे ज्यादा अमेजिंग बात तो ये है कि बहुत ही कम पीरियड में हमने इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखी है, और यही चीज हाईलाइट करती है हार्डी को, क्योंकि देखो हार्डी एक एमेच्योर बॉडी बिल्डर नहीं है, हार्डी एक ऐसे बॉडी बिल्डर नहीं जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं रोस्टर पर, अभी अभी नया है, नहीं, ही हैज बीन डूइंग इट फॉर इयर्स। मतलब 8 से 10 सालों से ही हैज बीन कम्पीटिंग, और जब आप इतने सालों से कम्पीट कर रहे हो तो आप उस लेवल पर ऑलरेडी पहुंच चुके हो, तो जहां से आपका इंप्रूवमेंट्स का स्कोप बहुत ही माइनर से रह जाता है, बहुत ही माइन्यूट से रह जाता है, उसके बाद भी इस तरह के आप इंप्रूवमेंट्स दिखा रहे हो वो भी इतने कम पीरियड में। मतलब आपके जेनेटिक्स और आपका हार्डवर्क प्लस आपकी परसिस्टेंस प्लस हम हैनी रैम्बोर्ट को तो भूल ही नहीं सकते, आपको जिस तरह की कोचिंग मिल रही है मैन, आपकी डेडिकेशन नेक्स्ट लेवल होगी कि आप इस तरह की इंप्रूवमेंट्स कर पा रहे हो, नहीं तो इस लेवल पर आने के बाद आपकी इंप्रूवमेंट्स बहुत ही कम हो जाती है। जैसे हम शॉन क्लाइडर के बारे में भी बोलते हैं, जहां कियोन पियर्सन अब बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं बिकॉज वो अपनी पीक फॉर्म से, अपने प्राइम फॉर्म से बहुत अभी दूर है, जबकि शॉन क्लाइडर ऑलरेडी अपनी पीक फॉर्म पे काफी टाइम से रुके हुए हैं। तो ये तो बहुत अमेजिंग बात लगी मुझे। बाकी अब बात करें हम दूसरे चैंपियन की, यहाँ पर एक बहुत बड़ी हाईलाइट रही वेस्ली विजर्स की परफॉर्मेंस। मतलब वन ऑफ द बेस्ट पैकेज हमने वेस्ली विजर्स का यहाँ पर देखा, और वन ऑफ द बेस्ट नहीं, मतलब सबसे बेस्ट पैकेज हमने वेस्ली का आज तक स्टेज पर जब भी आया है वो हमने देखा। तो अगर मैं इस बारे में आपको बताऊं, किसी भी चैनल ने, इवन मैंने भी ये नहीं सोचा था कि वेस्ली टॉप 3 क्रैक कर लेंगे। मतलब कंपटीशन का लाइनअप इतना स्ट्रांग था, हम सब ये सोच के चल रहे थे कि रमोंडिनो जीतेंगे, उसके बाद होंगे उस कैल्सिंस्की या फिर बियॉन एस्ली या फिर दोनों में से वाइस वर्सा। तो हम इस तरह से देख के चल रहे थे कि 4th-5th पर इनका नंबर आ सकता है, बट मैन जो हुआ वो तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, इस तरह की परफॉर्मेंस आई। और वेस्ली ने इस बारे में पोस्ट शो इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सिर्फ यही एक्सपेक्ट करा था या फिर यही टारगेट करा था कि वो सिर्फ एक प्लेस ऊपर करना चाहते हैं ताकि मिस्टर ओलंपिया में उनकी प्लेसिंग और इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएं। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो उन्होंने सीधे सीधे सबको ही बीट कर दिया। मतलब अब सीधे सेकंड प्लेस के लिए सबसे स्ट्रांग दावेदार वेस्ली विजर्स से मिस्टर ओलंपिया में जाते हुए। और वेस्ली से इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने इस टाइम पर क्या टारगेट करा था, मतलब वो ज्यादा मसल मास लेकर आना चाहते थे, वो ज्यादा लीन होकर आना चाहते थे, क्या चाहते थे। तो वेस्ली ने इस बारे में बताया कि जब मैंने मिस्टर ओलंपिया की फुटेज देखी तो मैंने देखा कि माइकल डबूल, रमोंडिनो, उर्स कैल्सिंस्की सबके सब शेडिड है, सबके ग्लूट, सबकी हैमस्ट्रिंग शेडिड है, और ये चीज मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती थी लाने में। सो दिस टाइम आई वेंट इन डीपर एंड डीपर, मैंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा और इसी चीज को टारगेट करा कि मैं अपना लीनेस लाऊंगा, अपने ग्लूट्स में फाइबर्स तक लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और इस बार उन्होंने ऐसा करा, वो अपने लीनेस पर आए थे, मसल मास उन्होंने इंक्रीज करी ही थी, बट उसके बाद भी उन्होंने बहुत ज्यादा डाइट करी, बहुत ज्यादा कार्डियो करा ताकि इस लेवल पर लीन हो सके, एंड दैट थिंग डिड पे ऑफ। तो वही है गाइस, ये हमेशा से कंपेयर होना चाहते थे रमोंडिनो के साथ, उर्स कैल्सिंस्की के साथ, बट हमेशा इनके साथ क्या होता था, ये हमेशा आउटर सर्कल में रहते थे जहां पर इनका कंपैरिजन तो होता था बट 6th-7th-8th से। बट इस बार क्या हुआ, इस बार ये सीधे सीधे रमोंडिनो से कंपेयर होने आ गए, और आप देख सकते हो किस तरह का कंपैरिजन हुआ, पहली बार ऐसा कंपैरिजन हुआ एंड ही डिड बीट रमोंडिनो। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड ही इज वेरी फायर्ड अप। अब इनसे होप्स भी बहुत ज्यादा हैं और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा हैं, और उसी तरह से इनको हार्ड वर्क करना होगा टू डिलीवर। बट ये अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, वेरी बेस्ट पैकेज ऑफ वेस्ली विजर्स हम लोगों ने विटनेस करा। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा एंटोन वैलियंट के बारे में। हाँ, ये टॉप 6 में नहीं आए, पहले ये टॉप 6 के दावेदार थे,
पी जजिंग के टाइम पर, बट यस फाइनल्स में कुछ ऐसा हुआ कि टॉप सिक्स से बाहर हो गए। गलती इनकी नहीं थी, दूसरा एथलीट बहुत ज़्यादा अमेजिंग आ गया था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा गाइस, कितना ज़्यादा अमेजिंग एंटोन की फिजिक है। मतलब इतनी ज़्यादा मैंने कभी विटनेस नहीं करी थी इनकी फिजिक। आप ये पोजिंग देखो, आप खुद रियलाइज करोगे किस तरह से बीट्स पकड़ रहे हैं, किस तरह से कंडीशन है, कितनी अमेजिंग इनकी प्रेजेंटेशन है, कितने ज़्यादा मसल्स इनके पीक पर है और प्राइम फिजिक लेकर आए थे। मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स जो होती हैं ये उन्होंने पूरी तरह दिखा दी थी। एक पीक फिजिक थी, एक पूरी पीक हिट करके आए थे। और मुझे नहीं पता सैमसन डॉडा को बेस्ट पोजर का अवार्ड क्यों मिला। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सैमसन डॉडा की पोजिंग अच्छी नहीं थी, दैट वॉज अमेजिंग, दैट वॉज रियली गुड। बट आप एंटोन वैलेंट की एक बार पोजिंग ये देख लो, खुद डिसाइड कर लेना कि कितनी ज़्यादा अमेजिंग पोजिंग इन्होंने करी है, कितना ज़्यादा फैसिनेटिंग मेसमराइजिंग लग रहा था इनका हर एक पोज। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ, और आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है जब एंटोन वैलेंट ने इतना ज़्यादा इंप्रेस करा है लोगों को। पीपल वर चीयरिंग आउट लाउड, मतलब इतना ज़्यादा क्रेजीली इनके लिए हूटिंग हो रही थी, दैट वॉज इनक्रेडिबल। तो एंटोन वैलेंट एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाईलाइट है इस शो की, जो कि आने वाले टाइम में आने वाले कुछ शोज में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिस हिसाब से इनके फिजिक यहाँ पर दिखी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैन उसके बाद भी ये सेवन प्लेस पर एंड अप करें इतनी अमेजिंग फिजिक लाने के बाद, इतनी अमेजिंग पोजिंग करने के बाद। तो आप सोच लो कि इनको अभी भी जजेस यही बोलते हैं कि आपको अपर बॉडी पर वर्क करना होगा, बिकॉज लोअर बॉडी आपकी बहुत मैसिव है। और आप वो देख सकते हो गाइस, बैक पोजिशन में हैमस्ट्रिंग तक इनकी बहुत स्ट्रांग है, उसी हिसाब से इनका अपर अच्छा डेवलप्ड है, पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, बट अभी भी इनको थोड़ी सी और मसल मास जजेस के अकॉर्डिंग शायद ऐड करने की जरूरत है। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट पर, रमांडिनो। तो गाइस रमांडिनो के साथ यहाँ पर क्या गलत हुआ और वो क्या चीजें ठीक कर सकते हैं अगले दो वीक्स में, बिकॉज नेक्स्ट शो है आर्नो क्लासिक यूके विद इन टू वीक्स। क्या दो वीक्स में वो इतनी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं कि वेस्ली विजर्ड्स को दोबारा चैलेंज करके बीट कर सकें? दो वीक्स एक बहुत स्मॉल टाइम है, बट कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दे बोथ आर कम्पीटिंग, लोग बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हैं अब इन दोनों का रीमैच देखने के लिए, बिकॉज एक बार जो चीज़ हो चुकी है क्या वो दोबारा होगी वेस्ली विजर्ड्स के साथ, या फिर इस चीज़ को एक फ्लूक की तरह देखा जाएगा? ये चीज़ देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। बाकी रमांडिनो के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने शो के बाद में लाइव आकर ये बोला था कि इस पीरियड में वो थोड़ा सा ऑफ गए थे अपने बिजनेस को टाइम देने, अपनी फैमिली को टाइम देने, और वो टाइम देते देते थोड़ा सा इतना बढ़ गया कि दो महीने तक इन्होंने वर्कआउट नहीं करा। उसके बाद में छह वीक्स इनको मिले सिर्फ वर्कआउट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, प्रेप करने के लिए, और उसी छह वीक्स में इस तरह का पैकेज ये लेकर आए आर्नो क्लासिक के स्टेज पर। और इसीलिए थोड़ा सा डाउन साइज थे, थोड़ा सा उस तरह से इनके मसल्स नहीं लग रहे थे फुलर, और इनका कॉन्फिडेंस भी डाउन था। बट आप एक चीज बताओ, इस पीरियड में इन्होंने तो गैप ले लिया, किसने गैप नहीं लिया, किसने कंसिस्टेंसी दिखाई, किसने डे इन एंड डे आउट जिम में जाकर हार्डवर्क करा, डाइट से स्टिक करा, सारी चीज़ें सबके साथ है गाइस, फैमिली सबके साथ है, बिजनेस सबके साथ है, और प्रायोरिटीज़ भी सबके साथ हैं। सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिली थी, सबको सेम टाइम मिला था, और आई थिंक 12-13 हफ्ते पहले हमें ये चार्ट्स मिल गए थे, ये लिस्ट मिल गई थी कि रमांडिनो भी शो में होने वाले हैं और वेस्ली विजर्ड्स भी। तो मुझे नहीं लगता अब लोग बाद में इस तरह क्यों बोल देते हैं। बाकी हाँ, कई बार हम सुनते हैं कि शो हो जाने के बाद अगर आप नहीं जीतते हो तो इस तरह की बात सुनने में आती है। देखो रमांड की कैपेबिलिटीज़ में कोई डाउट नहीं कर रहा, कोई नहीं बोल रहा कि ही इज़ नॉट एन अमेजिंग एथलीट, अभी भी शायद वो वेस्ली विजर्ड्स को दोबारा बीट कर दें आने वाले टाइम में, बट इस तरह की बातें बोलना मुझे समझ नहीं आता, बिकॉज इक्वल अपॉर्चुनिटी थी और ये चीज़ आप पहले भी बोल सकते थे। आप ये चीज़ जब क्यों बोल रहे हो जब आप हार चुके हो? और कई लोग तो कमेंट्स में रमोन को काफी ज्यादा ट्रोल भी कर रहे हैं कि रमोन इस बार वही कर रहे हैं जो हाड़ी चुपन ने 2023 के मिस्टर ओलंपिया में करा था। प्राइस से अपनी आंखें हटा ली थी, थोड़ा सा अपना डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, और इसी चीज ने उनको कॉस्ट करा था टाइटल। अब लोगों का कहना ये थोड़ा सा बुरा तो लगेगा रमांडिनो को, बट बात तो सही है, आपने थोड़ा सा फोकस लूज करा, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और वही चीज आपको कॉस्ट कर गई, जैसे वही चीज हाड़ी चुपन को कॉस्ट करी थी। बाकी अब दो वीक्स हैं रमांडिनो के पास नेक्स्ट शो आर्नो क्लासिक यूके में वेस्ली विजर्ड्स को बीट करने के लिए, बट क्या ये काफी है? गाइस दो चीज़ें हो सकती हैं बहुत स्ट्रांगली, एक तो ये कि रमांडिनो अमेजिंगली दोबारा आते हैं दो वीक का टाइम में कंप्लीट प्रेप करके और शो जीत जाते हैं, ये चीज़ तो उनके लिए बहुत अच्छी जाएगी, उनके कॉन्फिडेंस को दोबारा बूस्ट कर देगी। बट अगर दो वीक्स उनके लिए काफ़ी नहीं है, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं, तो क्या होगा? वॉट इफ इट डैमेजेस हिम मोर, इनको और ज़्यादा डैमेज होगा गाइस अगर वेस्ली विजर्ड्स या फिर किसी और ने भी इनको दोबारा बीट कर दिया और एक बहुत ज़्यादा अलग ही जोन में ये चले जाएंगे। तो अब तो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह होगा। मुझे पता है ये पूरी तरह अपना 100% देंगे, बट वेस्ली विजर्ड्स भी नहीं चाहेंगे कि वो जो मोमेंटम गेन कर चुके हैं, जो एक होप वो अपने लिए ही अपने से क्रिएट कर चुके हैं, उसे ना लूज करें। तो बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोग बने रहो इस चैनल पर, बहुत डिटेल में सब चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। इसके बाद शो की सबसे बड़ी हाईलाइट गाइस,
जो कि मेरे लिए हैं ब्रियॉन एसली। मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। ब्रियॉन एसली जिस तरह की परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं, जिस तरह का पैकेज लाते जा रहे हैं, मैन हैट्स ऑफ टू हिम, अ सल्यूट टू हिम, अ वेरी बिग सल्यूट टू हिम। जिस तरह से ब्रियॉन हर चीज को डिफाई कर रहे हैं, जजेस उनको कभी भी उस तरह से प्लेस नहीं कर रहे जैसे वो होने चाहिए। कोई भी इस बात को डिनाई नहीं करेगा, कोई भी फैन हो, कोई भी बॉडी बिल्डिंग व्यूअर हो, कि वो उर्स कैलिसिंस्की को बीट नहीं कर रहे थे मिस्टर ओलंपिया में। वो 100% बीट कर रहे थे, चलो ठीक है नहीं कर रहे थे, मान लिया 1% नहीं कर रहे थे। जजेस बायस हो सकते हैं, कई सारी चीजें हो सकती हैं, हमें कुछ पता नहीं लगता, हमें कुछ नहीं आता, किसी को भी कुछ नहीं पता। लेकिन फिर आर्नो क्लासिक में आप देख सकते हो, यहाँ तो जमीन आसमान का फर्क था। यहाँ तो इवन ये शो जीतने के लिए भी पूरी तरह से रेडी थे। अगर ये जीत जाते कोई भी क्वेश्चन नहीं करता, बिकॉज बी ऑनेस्टली एक पूरे स्टैचू की तरह लग रहे थे। इतनी ज्यादा अमेजिंग फिजिक, इतनी ज्यादा क्रिस्प एंड शार्प फिजिक, मसल्स पूरी तरह पीक पर, फुलर राउंडर। आप बाइसेप पीक्स देखो, किसी की नहीं होंगी इस लेवल की। वेस्ली की बहुत अमेजिंग थी, बट बियॉन जैसी किसी की नहीं थी। आप वैक्यूम देखो, अमेजिंग लेवल। आप बैक पोजिस देखो, कोई टच नहीं कर सकता इनको। कोर देखो आप कितनी ज्यादा डिफाइंड है, इवन व्हेन ही इज नॉट पोजिंग। तो काफी ज्यादा अमेजिंग यहाँ पर बियॉन एसली थे। उनको एक तरह से रॉप करा गया है, और मैं अभी भी इस बात को बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वेस्ली विजर्स को जीतना नहीं चाहिए था, ये रामोंडिनो को सेकंड पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन बियॉन एसली को फोर्थ प्लेस पर उसके बाद में देखना ये एक्सेप्टेबल नहीं लगा इस शो में तो बिल्कुल भी। बट उसके बाद भी जिस तरह से अपनी प्लेसिंग्स को ले रहे हैं, दैट इज वेरी कमेंडेबल। जिस तरह से प्रोफेशनली ये बिहेव कर रहे हैं, ये बताता है कि कितने ज्यादा अमेजिंग ह्यूमन बींग बियॉन एसली हैं। तो अभी हम इनको और देखने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक ये नेक्स्ट शो में भी कम्पीट करने वाले हैं जहां तक मुझे याद है। अब देखते हैं वहां पर क्या होता है। इनकी प्लेसिंग मैन में इंप्रूव होता हुआ देखना चाहता हूं, बट जजेस आर नॉट रेडी टू गिव हिम द स्पॉट। बाकी अब लास्टली मैं बात करना चाहूंगा अकीम विलियम्स की। अब देखो मैन, अकीम विलियम्स की मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से कभी बात करूंगा, बिकॉज मुझ समेत एक मेजॉरिटी की ओपिनियन यही थी कि अकीम विलियम्स इज डन। अब वो उस तरह से फॉर्म नहीं कर सकते, उनका प्राइम टाइम जा चुका है। अब वो काफी ज्यादा सिचुएशन से, काफी ज्यादा इंजरीज से डील कर रहे हैं, तो उस तरह से फॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब उनका कम बैक होना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पर देखो प्री जजिंग में जब हमने उनको देखा, हमने भी यही सोचा और ये लग भी रहा था, इसमें कोई भी डिनाई वाली बात नहीं थी। बट मैन फाइनल्स में जिस तरह से ही केम बैक, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करा है, मतलब आप देखो प्री जजिंग में उनकी प्लेसिंग थी गाइस 7th, और फाइनल्स में जब वो आए, फाइनल्स में पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उनकी प्लेसिंग थी 4th, मतलब 3 प्लेसेस उन्होंने अप कर ली थी प्री जजिंग से फाइनल में। तो कंबाइनली जब दोनों को मिला के टैली करा गया तो ओवरऑल उनकी 6th प्लेस आई, जहां पर उन्होंने एंटोन वेलियंट को पुश कर दिया टॉप 6 से बाहर और 6th प्लेस पर खुद विराजमान हो गए। तो ये एक बहुत अमेजिंग बात थी। प्लस साथ ही साथ अकीम ने ये भी प्रूव करा कि ही इज नॉट डन। अभी भी वो उस तरह की बात ला सकते हैं, अभी भी उस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, अभी भी उस तरह का पैकेज सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज जिस तरह से फाइनल्स में वो आया मैन, दैट वॉज अमेजिंग। किसी ने एक्सपेक्ट करा ही नहीं था। और जब ऐसी चीज होती है, जब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा हो, सब आपके अगेंस्ट हो, सब आपको डिफाई कर रहे हो, सब आपकी बातों को डिफाई कर रहे हो, सब आपकी फिजिक को डिनाई कर रहे हो, सब आपको ये बोल रहे हो कि आप तो मैन डन हो, आप क्यों कम्पीट करे जा रहे हो बार बार, बिल्कुल लास्ट में प्लेस करोगे और आप इस तरह के इंप्रूवमेंट्स करके आ जाओ एक दिन से दूसरे दिन के बीच में ही, वो तो मैन बहुत ज्यादा कमेंडेबल है। आपकी जितनी तारीफ करी जाए कम है ऐसी चीजों में, बिकॉज जब आप परफॉर्म करते हो मैन तो आप करते हो, जब आप नहीं करते तो आपके बारे में क्रिटिसिज्म भी होता है, सब लोग करते हैं, आपके फैंस भी करते हैं, आपके वेल विशर्स भी करते हैं और ये चैनल्स भी करते हैं। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करो तो ये चीज़ें वहाँ पर भी होनी चाहिए, राइट? और वहाँ पर ये हो रही है मैन, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एंड पीपल आर वेरी एक्साइटेड कि अब ये आर्नो क्लासिक यूके में जब कम्पीट करने आएंगे तो क्या ये दोबारा रेप्लीकेट इसे कर पाएंगे। और जिस तरह से ये आए थे ना, इस हिसाब से आने वाले आर्नो क्लासिक में आई थिंक ब्राज़ील में भी ये कम्पीट करेंगे रफाइल बैंडो के सामने, और वहाँ पर जब ये कम्पीट करेंगे तो मैन हो सकता है रफाइल को एक रन फॉर द मनी ये दे दें। वैसे रफाइल को बीट करना इस वक्त बहुत मुश्किल है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, रफाइल की भी मैं बात करना चाहता हूँ बट उनके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में एक अलग वीडियो में बात करूँगा, सेपरेट में बात करूंगा। बट यस, अभी के लिए मैं अकीम विलियम्स को बहुत ज्यादा प्रेज करना चाहता हूं, साथ ही ये बताना चाहता हूं कि मैन ही इज नॉट डन। अभी भी ये बहुत अच्छा पैकेज ला सकते हैं। आई थिंक ये कोच की बात होती है या फिर एक पीक को बार बार हिट करने की बात होती है। आप अगर इस फॉर्मूले को समझ जाओ तो आप इस तरह से हमेशा आने का ट्राई कर सकते हो। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।